और भाई आ गया स्वाद। कर लो नहीं ये सब कर लो, नहीं ये सब कर लो यार, क्रिकेट बाद में खेलेंगे, ऐसी की तैसी हटाओ। मतलब दिमाग खराब किया हुआ था मेरा, डीएम भर दिया मुझे, पागल कर दिया कि हम देख लेंगे तुझे, हम तुझे धूल चटा देंगे, हम तुझे दोबारा से एकदम फाइनल में मारेंगे, तुम्हें मुंह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। एक और खतरनाक चीज थी, तू फाइनल में आया नहीं है, तू लाया गया है। अबे पहले खुद तो आ जाओ, इंग्लैंड से जीतने के तुम्हारे वांदे लगे हुए, हमें निकालने की बातें करते हो। एक मैच जीता नहीं जाता भाई, इंडिया इज द न्यू साउथ अफ्रीका। बड़े मोमेंट्स पे आके उन्होंने हमेशा चोक किया है। और एक मुझे बात बताओ, इतने चौड़े कराते क्यों वो जब कर नहीं सकते? अब देखो हम है ना, हम चौड़े करा सकते हैं क्योंकि हमें पता है हमारी टीम का ना कि जब बिल्कुल डाउन एंड आउट होती है ना तो एकदम से खतरनाक होती है, हमें उनका पता है। तुम्हें अपनी टीम का ही नहीं पता कि किस तरह खेलती है, इतने चौड़े मत कराया करो, गिर गए ना जमीन के अंदर, पूरा मुंह दे दिया ना तुम्हारा हमने अंदर। और हमने नहीं, गोरों ने दिया, हम तो वेट कर रहे थे इंडिया वर्सेस पाकिस्तान होगा। भाई इस वक्त सेमीफाइनल की कोई नहीं सोच रहा था, हम तो सोच रहे थे इंडिया वर्सेस पाकिस्तान होगा, मजा आएगा, थोड़ा ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, दिमाग की नसें वसें फटेंगी। तुमसे क्वालिफाई नहीं किया गया बुजदिल। मैं तो कह रहा था कि आते थोड़ा मजा वजा आता, पर जो जीतता वो देख लेते बाद में, उसकी वो अलग होती, लेकिन तुमसे तो क्वालिफाई नहीं किया गया। मतलब दिमाग खराब हो गया मेरा, ये हुआ क्या यहाँ पे? अब मुझे दो तीन लोगों को शाउट आउट देना है और उसमें से एक है भजी। भजी आर यू ओके? अले बोले मजाक लाया था, हम पाकिस्तान नहीं आएंगे एशिया कप खेलने। मत आना मत आना, सेमीज तुमसे क्वालिफाई किया नहीं जाता, एशिया कप खेलने आएंगे, थू है यार। और दूसरे है वो इरफान पठान। अबे जो पठान पश्तो ना बोले वो पठान नहीं होता, सरनेम चेंज कर लो पहली बार। और दूसरा ग्रेस चाहिए तुझे, ग्रेस चाहिए, बताओ तुझे, तुझे ग्रेस चाहिए है? तेरी टीम में अश्विन बैठा हुआ है, मंकड़ का राजा, उसको रखते हुए भी आप ग्रेस की बातें करो, कैसी बातें कर रहे हो यार? इंडिया का और 10 विकेट्स विक्ट्री का ना बड़ा अजीब सा कॉम्बिनेशन, बड़ा बरसों का साथ है। जब हमने 152 बना दिए थे 10 विकेटों पर हम जीत गए थे, उसी तरह इंग्लैंड ने मार दिया इनको। मतलब इनसे विकटे नहीं ली जाती हैं यार। अबे विकटे कैसे लोगे जब भागते हुए स्पिनर खिलाओगे तो? विकटे कैसे लोगे? उमरान मलिक तो इतना वीआईपी ऐसी की तैसी करते थे ऑस्ट्रेलिया के अंदर, उसको लाते 150 के बेस पे 3-4 विकटे तो निकाल ही लेता वो। अब एक और चीज बड़ी खतरनाक हो गई है मेरे भाई, अब वो गोरे, अब वो गोरे चौड़े पे आ जाएंगे ना कि हमने तो इंडिया को मार दिया। मैं तुम लोगों को बोल रहा था कि 350 साल की गुलामी थी, उसको जरा मिटाना था। अब ये काम भी हम ही करें, अपना सेमीफाइनल भी हम जीते और तुम्हारा सेमीफाइनल भी हम जीते। ऐसे तो नहीं होता ना मेरा, अपने मैचेस तो कभी कभी जीतने पड़ते ना, थोड़ा सा तो जरा कॉम्प्रोमाइज किया करो। अब वो गोरों को कौन निपटाएगा? वो हमें निपटाना पड़ेगा ना किस तरह से? मतलब कि गोरे तो आएंगे बिल्कुल चौड़े में कि भाई अब हम तो इंडिया को लपेट दे, हम पाकिस्तान को भी खा जाएंगे। लेकिन मुझे पता है कि मेरे हमारे लौंडे किस तरह के, वो हारे सिर्फ 150 का पेस मारता है, वो 150 का वो खा जाएगा सबको। और एक और बात बताओ मुझे, ये काहे का मिस्टर 360 रखा हुआ तुमने, 720 रखा हुआ तुमने, किस ये कुछ काम है इसका तुम्हारे पास? क्रूशल मैचेस पे जब बंदा चोक कर देगा तो फिर वो काहे का प्लेयर बनेगा मेरे भाई? वो उसका करना क्या है? खराब होंगे मिस्टर 360, लेकिन मेरे घंटे का 360 आप सब शॉट तो लगे नहीं, 10 बॉलों में 14 रन, वो भी क्रूशल स्टेज के ऊपर है भाई। इनका मैच कराया करो आयरलैंड वायरलैंड से, ताकि ये लोग थोड़े रन वन मारते हैं और थोड़ा अपना जरा बचा लें। मतलब तुम बन जाओ नंबर 1 T20 प्लेयर मेरे भाई, तुम सब कुछ कर लो, लेकिन जब तुम बिग मैचेस में चोक करोगे ना क्रूशल मोमेंट्स पे, तो फिर तुम किसी काम के नहीं हो, आगे पीछे हो जाओ। चलो अब आता हूं मैं अपने नेक्स्ट बंदे किंग के ऊपर, जिनका जो ये मानना है कि जब मेरा डाउनफॉल चल रहा था उनका एक ही रोना धोने का, जब मेरा डाउनफॉल चल रहा था मुझे किसी ने कॉल नहीं किया। अबे मुझे नंबर देगा तो मैं तुझे कॉल करूंगा ना, इंस्टाग्राम पे तो मुझे रिप्लाई देता नहीं है। खैर चलो, अब वो बने बैठे हैं दुनिया भर के किंग। अब मैं उनके लिए एक ही चीज करना चाहता हूँ कि मेरा घंटे का किंग, मेरे घंटे का किंग, मेरे घंटे का किंग, मेरा घंटे का किंग, मेरे तुम्हारे किंग बनने का फायदा क्या जब तुम इस तरह के मैचेस में 40 पे 50 करोगे? अबे 40 पे 50 ये है, ये करना क्या इसका 40 के 50 का? मुझे एक बात बताओ, मैं इसको क्या करूं? यहाँ दीवार पे लटकाऊं, वहां लटकाऊं, या पीछे अपने कुछ करूं, करूं क्या 40 पे 50 का? मैं कोई काम दिख रहा है इसका? यही काम अगर बाबर आजम करता हो सब कहते हैं सेल्फिश इनिंग्स। अब यही काम इन कोहली भाई ने किया तो सब कह रहे हैं कि यार वाह व्हाट एन एंकर इनिंग्स यार, मतलब इनिंग्स संभाल ली। और एक और बात मुझे ये पूछनी है सुनील शेट्टी से, अब एक पूछना है सर क्या देखा था इस लड़के लौंडे में, मतलब क्या क्या था इसके अंदर ऐसा कि आपने अपनी बेटी को बोला कि हाँ भाई ठीक है इससे शादी कर ले? रोको शादी, अभी भी वक्त है। ये लौंडा चोक कर देता है, ये मुश्किल पिचेस पे स्ट्रगल करता है। देख लो मैं आपके फायदे की बात बता रहा हूँ, आपकी बेटी सुखी रहेगी अगर आपने इससे जो उसका टांगा तोड़ दिया, मैं आपको बता रहा हूँ। और एक और बात बतानी है मुझे, ये हमारे जो कैप्टन भाई बने हुए जिनको बड़ा शौक था कि पाकिस्तान का बैटिंग कोच बनेंगे, अपना बल्ला उठ नहीं रहे, हमारा बैटिंग कोच बनना है इनको। दिमाग खराब किया हुआ था ना यहाँ पे कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं पुल पे छक्का मार दूंगा, मैं ये कर दूंगा। और देखो मेरी बात सुनो, मैंने ना वड़ा पाव का स्टॉल लगा लिया, तो अगर आप आना चाहें यहाँ पे तो मैं आपको बिल्कुल फ्री में वड़ा पाव खिलाऊंगा, टेंशन की बात नहीं है। मैं आप लोगों की तरह नहीं हूं, मैं दोस्ती का हाथ बढ़ाता हूं, मैं आपको फ्री में वड़ा पाव खिलाऊंगा। अब इसमें यह भी है कि देखो किस्मत कैसी, मतलब मैं क्या बोलूं उसको कि आपने जो है हमारा रोड अटका है ना कि हम साउथ अफ्रीका से हार जाते हैं, हम ये कर लेते हैं, हम वो कर लेते हैं पाकिस्तान ताकि क्वालिफाई ना कर सके। फिर कुदरत का निजाम भी है, फिर वो नेदरलैंड ने साउथ अफ्रीका को पहले दिया, हम सेमीज में आ गए, सेमीज में आके फिर हमारे लौंडों ने कहा नो
हमारे मैथ्यू हेडन ने कहा कि लॉन्डो ये अब काम जो है ना ये खराब हो गया, ये अब हम अंदर आ गए, अब हमें जीतना है। लॉन्डो ने परफॉर्म करके फाइनल में जगह बना ली और आप जो सबसे कंफर्टेबल पोजीशन में थे, जो सबसे बेहतरीन चल रहे थे पॉइंट्स टेबल के अंदर, आपका पत्ता ही साफ हो गया। हम टेंशन लिए हुए थे कि आपका न्यूजीलैंड से मैच नहीं पड़ा कि न्यूजीलैंड आपको मार दे, अबे आपको तो इंग्लैंड ने लपेट दिया पकड़ के। अब एक और बंदा जो बहुत फुदक रहा था, उसका फुदकना बनता भी है, वो है हार्दिक पांड्या। भाई ठीक है आपने 35 पे 60-70 रन बना दिए, लेकिन इसका यह मतलब तो नहीं ना क्राउड से तालियां बजवा के जॉस बटलर को आउट करने की तैयारियां करें। अबे वो जॉस बटलर है गोरा है, वो पागल है, आपने पूरा क्राउड हाइप कर दिया। अबे तालियों से विकेट थोड़ी गिरती है, उसने तुम्हें अगली बॉल में चौवा लपेट दिया। तालियों से विकेट गिरनी होती तो हमारे पाकिस्तान ने इंग्लैंड को 30-35 पे नहीं निपटा देते, जिस तरह ऑस्ट्रेलिया को मैं 36 पे निपटाया था सेम स्टेडियम में, याद दिला रहा हूं, भूलना नहीं इस चीज को। तो देखो यार इस तरह से मैचेस नहीं जीते जाते। आपकी तरह मैं भी डिसाइडेड हुआ हूं कि यार इंडिया फाइनल में नहीं पहुंची, लेकिन मैं थोड़ा कम डिसाइडेड हूँ क्योंकि हमारी टीम पहुंची है, तो उसका मसला नहीं है। लेकिन अब ये अब आप वापस जाएं, कैप्टन शैप्टन चेंज करें, टीम को रिबिल्डिंग फेज में लाएं, नेक्स्ट वर्ल्ड कप में वापस आइएगा। और तब तक अब ये है कि मैं आपको थोड़ा प्रोपोजिशन देना चाहता हूं कि इंडिया और पाकिस्तान अगर एक हो जाए गोरों के खिलाफ तो कितना मजा आ जाए ना, मतलब अगर हम दोनों एक हो जाएं, क्योंकि ट्रॉफी तो ट्रॉफी है, वो तो मटेरियल थिंग है, हमें इंग्लैंड को हराना है। सिंबोलिज्म पे जाया करो कि हमें गोरों को हराना है। और वैसे भी 1992 में भी पाकिस्तान और इंग्लैंड का फाइनल हुआ था। अब देखो भाई मजाक की बातें सारी साइड में, सीरियस हो जाओ, ये इंग्लैंड वाली इंग्लैंड नहीं है बॉयज, सीरियस बिल्कुल आ जाओ। इनको ऊपर से ना इनको 130-140 में बुक कर दो, नहीं तो ये साले बिल्कुल बीस मोड में आए हुए, ये लोग बिल्कुल पागल वहशी दरिंदो हैं ये लोग ना बिल्कुल, तो ये लोग हमें मार देंगे ऐसी की तैसी कर देंगे हमारी। तो इनको जितना जल्दी हो सके इनको लपेट देना, क्योंकि आज जो हाल इंडिया का हुआ है मैं नहीं चाहता हमारा हो जाए।